अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीमा हैदर केस के सिलसिले से, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि मोमिन मलिक साहब को सीमा के गुंडों ने धमकी दी है और बहुत बड़ी चैलेंज कर दिया है। तो वो सब क्या बातें हैं, आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके साथ ही जो ऑडियो की शक्ल में मैसेज है वो भी इसी वीडियो में सुनाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीमा हैदर के गुंडागर्दी की, जो कि हमारे देश में आकर इलीगल तरीके से घुस गई है और यहाँ पर उसने इतने गुंडों की टीम खड़ी कर दी है कि इन लोगों ने अब गुलाम हैदर के जो केस लड़ रहे हैं वकील मोमिन मलिक साहब, उनको खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर यह खबर मिली है कि एक अवध नारायण नाम का एक व्यक्ति सामने आ रहा है, उसने बयान दिया है। उसने बयान ही नहीं, उसने चैलेंज कर दिया है कि मोमिन मलिक साहब धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत चीजें कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। साथ ही उसने चैलेंज किया है कि जिस दिन सीमा हैदर के बच्चे भारत से चले गए, उस दिन मैं बार काउंसलिंग में अपना लाइसेंस जमा कर दूंगा। और ओपन चैलेंज दिया उसने कि कोई भी दुनिया का शख्स सीमा हैदर या उसके बच्चों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकता। और बड़ी तअज्जुब की बात है भाई, सीमा हैदर को अभी 15 महीने भी नहीं हुए भारत में और इसने यहाँ पर इतने बड़े गुंडे पाल लिए कि भारत के ही लोग एक दूसरे को काटने को मारने को उतारू हो गए। और इसने ओपन चैलेंज किया है मोमिन मलिक साहब को कि जिस दिन मुझे परमिशन मिल गई तो मैं मोमिन मलिक साहब की धज्जियां उड़ा दूंगा। तमाम कई गाली गलौज इस बंदे ने बोले हैं और इसने बोला है कि मोमिन मलिक साहब सोशल मीडिया पर गाली देता है, कि मोमिन मलिक साहब ने कैसे चैलेंज किया कि एपी सिंह को जो भारतीय तिरंगे का अपमान किया था, तो मोमिन मलिक ने उसके लिए एपी सिंह को सॉरी के लिए बोलने को कहा और मोमिन मलिक साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर ऑन सोशल मीडिया माफी नहीं मांगी तो उसके ऊपर FIR होगा। तो आप सोचिए, ये बंदा माफी तो बहुत दूर की बात है, इसने अपने गुंडों की टीम खड़ी कर दी कि अब मोमिन मलिक को धमकियां दी जाएं और मोमिन मलिक को ये बोला जाए। तो दोस्तों, आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों सीमा हैदर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ये भारतीय अपने आप को कहते हैं, अपने आप को सनातन नहीं कहते, अपने आप को वकील कहते हैं। क्या वकील हैं? तो क्या कानून से बढ़कर हो तुम? और इन्होंने बोला है कि अगर सीमा हैदर के बच्चे यहाँ से चले गए तो पूरा जो लीगल टीम है वो वहाँ पे अपना काम छोड़ देगा, अपना लाइसेंस जमा कर देगा, अपनी जो वकालत है छोड़ देगा। अब देखना यह है कि इस पर मोमिन मलिक साहब का क्या जवाब आता है। ये बंदे का कहना है कि ये सोशल मीडिया पर ही भोगते हैं, यूट्यूब पर ही भोगते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। मतलब इसने मोमिन मलिक साहब पर पर्सनल अटैक करते हुए सीमा हैदर की पूरी जिम्मेदारी ले ली कि उसे भारत से उसके बच्चों को उसको कोई निकालने वाला पैदा नहीं हुआ है। मोमिन मलिक साहब के लिए कितनी मुश्किल है आप लोग समझ सकते हो, जो लोग कहते हो कि मोमिन मलिक साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग कभी गुलाम हैदर का सपोर्ट करते थे अब वो पूरी तरीके से सीमा हैदर के सपोर्ट में चले गए। सीमा हैदर ने कई लोगों को खरीद लिया, कल कई चैनलों पर ये भी आ रहा था, कई UPI अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया। वो चीजें मुझे वाकई तौर पर नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर देखी हुई बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे साफ दिख भी रहा है कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया गया है नेत्रपाल के द्वारा। अब कहाँ कहाँ फंडिंग हो रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं बात भी नहीं करूँगा। यहाँ पर जो बात है वो अवध नारायण नाम के व्यक्ति का है। तो दोस्तों, आगे सारी बातें डिटेल में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये अवध नारायण नाम का व्यक्ति जो है अपने आप को ग्रेटर नोएडा का वकील बता रहा है और कह रहा है कि भैया, अगर सीमा हैदर के बच्चे यहाँ से चले गए तो मैं अपना लाइसेंस जमा कर दूंगा, वकालत छोड़ दूंगा, हमारी जितनी भी लीगल टीम है वो वकालत छोड़ देगी। और मोमिन मलिक साहब से इसका कहना है कि वकालत पर करें काम, सोशल मीडिया पर क्यों भोगता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मोमिन मलिक साहब ने कभी गाली नहीं दी है, तो मुझे एक वीडियो दिखा दो। हमेशा मोमिन मलिक साहब ने सोशल मीडिया पर आके समाज में शांति बनाने की बात कही, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही और उसको इतनी तकलीफ हो गई कि मोमिन मलिक ने इस तरीके की बात की है, क्योंकि हमेशा भड़काऊ हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इस बंदे के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हो सीमा हैदर ने कितने गुंडे हमारे भारत में पैदा कर दिए, कितने गुंडों को ये पाल चुकी है, कितने गुंडों को ये खुद संरक्षण दे रही है, जबकि ये खुद अवैध इलीगल घुस बैठी है। तो ये अपने आप को वकील बताते
हैं और इन्होंने दावा भी किया है, चैलेंज किया है कि अगर ये बच्चे पाकिस्तान चले गए तो मैं इनको वो कर दूंगा, अपना लाइसेंस जमा कर दूंगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब का क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल हमें पता है मोमिन मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भारत आने वाले हैं और बहुत ही जल्द गुलाम हैदर को बच्चे मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही इन लोगों की इतनी बौखलाहट हो चुकी है सीमा हैदर की कि अब ये तड़प उठी है, पागल हो गई है कि मोमिन मलिक साहब ने जो कार्यवाही की है उसको सोशल मीडिया पर आके क्यों नहीं बता रहे हैं। मोमिन मलिक साहब का मुंह खुलवाने के लिए अब तमाम चीजें कर रही है, जो कि मोमिन मलिक साहब ने बोला था ये इस हद तक जाएगी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब वो हद आ चुका है क्योंकि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि भारत में वकीलों को गुंडा बना करके बैठा चुकी है। जितने वकील हैं इसके पक्ष में वो अब पागलों की तरह तड़प रहे हैं क्योंकि कानूनी कार्यवाही लड़ने की हिम्मत नहीं है। सच वो जानते हैं कि ये अवैध घुसकर भारत में आई है और इसने इलीगल काम किया है और इस बंदे का दावा है कि अगर सीमा हैदर की बेल कैंसिल कर दी तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, सारी लीगल टीम छोड़ देगी। मतलब ये कहता है कि मोमिन मलिक साहब के पास इतना पावर नहीं है वो सीमा हैदर की बेल कैंसिल करा सके। जब जांच टीम नहीं इसकी बेल कैंसिल करा सकी तो मोमिन मलिक कौन होता है। मतलब इसके शब्द सुनिए, तू तड़ाके में बोला, तू वकील अपने आप को कहता है, इसके शब्द में देखिए कितनी खतरनाक गुंडागर्दी छुपी है, कितने मतलब इसकी मानसिकता गिरी हुई है। इस इंसान का इसका आरोप है कि मोमिन मलिक लड़ाई झगड़े करवा रहा है, तो भाई वो गुलाम हैदर एक बाप का केस लड़ रहा है, हमारे देश में इलीगल घुसकर एक औरत आई है उसका उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है। आखिर सीमा ने इतनी कौन सी पावर दे दी आप लोगों को, इतना कौन सा कितने में आप लोगों को खरीद लिया है कि आप लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, एक वकील के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तो दोस्तों जो आप लोग कहते हो कि मोमिन मलिक साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके की रुकावट है मोमिन मलिक साहब के पीछे पड़ी हुई है, जो मोमिन मलिक साहब का जीना हराम इन लोगों ने कर दिया है। एक अवैध इलीगल घुसबैठी के लिए इनको लगता है कि इसको जाना नहीं चाहिए। कल के दिन अगर हमारे देश में कुछ ऐसा हो जाता है उसके जिम्मेदार क्या ये लोग रहेंगे। इन लोगों का क्या मकसद है सीमा हैदर को भारत में रोकने का अभी तक समझ में नहीं आया। इसका दावा है कि आखिरकार भारत सरकार मजबूर हो गई सीमा हैदर के बच्चों को एडमिशन देने के लिए। ये दावा कर रहा है सोशल मीडिया पर कि सीमा हैदर के बच्चों को भारत सरकार ने एडमिशन दे दिया। अब देखते हैं कौन कौन सा स्कूल है, कौन कौन सी सरकार है जिन्होंने सीमा हैदर को एडमिशन दे दिया। हमें अपने सरकार अपने कानून पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो इल्लीगल हो, क्योंकि सीमा हैदर घुस बैठ करके आई और घुस बैठियों को कभी एडमिशन तो बहुत दूर की बात है, शरण भी बहुत दूर की बात है, नागरिकता भी बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता है। इस बंदे ने चैलेंज किया है कि 30 तारीख तक मोमिन मलिक साहब सोशल मीडिया पर आके एपी सिंह से माफी मांगे, वरना धज्जियां उड़ा दूंगा। देखते हैं कि कितनी ये धज्जियां उड़ाता है। ये मोमिन मलिक साहब को कहता है कानूनन काम करें, कोर्ट में जाके करें। बंदा सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा है कि अगर ये चीजें हुई तो मैं सीमा सचिन पर आकर धज्जियां उड़ा दूंगा। मतलब ये अवैध इलीगल घुस बैठ के चैनल पे जाएगा और ये बदतमीजी करेगा, और इसकी अभी की बदतमीजी का जवाब क्या होता है मोमिन मलिक साहब जल्द ही देंगे। फिलहाल हमें बड़ा शर्म आता है भारत में आकर के ये औरत इतनी हावी हो चुकी है, ये फंडिंग कर रही है, पैसा एक दूसरे के जमा कर रही है, ऑन सोशल मीडिया पर धमकी दे रही है, हमारे भारत तिरंगे का अपमान कर रही है और वो हर चीजें कर रही है जो हमारे देश के और हमारे समाज के खिलाफ है। ऐसे लोगों को क्या लगता है कि कुछ चंद गुंडे पाल लेने से क्या भारत की संविधान को बदल देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वकील है भी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, इसका नाम सुना है। फिलहाल मोमिन मलिक साहब पर हमें पूरा भरोसा है, जिस तरीके से कानूनी कार्यवाही उन्होंने मजबूत की है उस पर 100% उन्हें सफलता मिलेगी, और साथ ही हमारे भारत देश के जितने लोगों का दिल दुखी इस अवैध घुसपैठ ने किया उन सबको राहत मिलेगी, और सबको भरोसा है कि भैया मोमिन मलिक साहब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मोमिन मलिक साहब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं रख रहे हैं, तो उससे बेचारों को इतनी आग लग चुकी है कि भैया मोमिन मलिक के मुंह से कैसे निकलवाया जाए, इसने क्या कार्यवाही किया है ताकि हम रोक सकें, उस पर पटीशन दायर कर सकें, उस पर एप्लीकेशन दे के रोक लगाएं, उसमें समय मांगे, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये मोमिन मलिक साहब हैं इंटरनेशनल मामलों का मुकदमा लड़ते, भाई इनको अपने एपी सिंह जैसा मत समझना जो हाईलाइट मामलों में कूद जाएं और 10 साल खींच दें। ये मोमिन मलिक साहब हैं, इन्होंने गुलाम हैदर को भी बहुत सारी चीजें नहीं बताई है, अंसार बरनी को भी नहीं बताई है, ये तुम्हें भी नहीं बताएंगे। अगर इनके मुंह
मुंह से उगलवाना चाहते हो तो गाली गलौज बदतमीजी करके पढ़े लिखे शिक्षित वकील हैं और हम लोग खड़े हैं, समाज के बंदे खड़े हैं इनके साथ। जहां पर समाज खड़ा होता है और जहां पर पब्लिक खड़ी हो जाती है, वकीलों की भी धज्जियां उड़ जाती है। जो आप अपने वकालत का बेइज्जती करवा रहे हो, मोमिन मलिक साहब इंटरनेशनल मामले पर वकालत लड़ रहे हैं, गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, और हर वकील को अधिकार है कि अपने मुवक्किल की चीजों को गुप्त रखे। भाई मानसिकता को गंदा कर चुके हो, वकील हो तो कोर्ट में जाओ, केस लड़ो, इसको बचाव करो। सोशल मीडिया पर आके मोमिन मलिक सर को गंदी धमकियां दे रहे हो तो पब्लिक नहीं विरोध करेगी, खुलकर आपकी विरोध करेगी। आपकी औकात है तो रोक लेना, इसको भारत से लात मार कर फेंका जाएगा, ये याद रख लेना। तो कानूनी पॉइंट पे जवाब दो, तुम भी क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पर गंदगी कर रहे हो। दोस्तों एक बार इनकी आवाज सुनिए। एडवोकेट अवध नारायण, सूरत कोर्ट, कोर्ट ग्रेटर नोएडा। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन अगर सीमा के बच्चे या सीमा चली जाए, उस दिन मैं जो है बार काउंसिल ऑफ यूपी को अपना जो है लाइसेंस जो है जमा कर दूंगा, हमेशा के लिए जो है मैं वकालत छोड़ दूंगा, मैं हमेशा के लिए वकालत छोड़ दूंगा। किसी की औकात नहीं है ना उसके बच्चों को और ना तो सीमा को यहां से कोई लेके चला जाए। यूट्यूब पे भौंकने से कुछ नहीं होता, भौंकने होते भौंकने वाले, देखो परमिशन मिल गई ना, सरकार ने परमिशन दे दी ना उसके बच्चों को एडमिशन के लिए, भौंकते रह जाओ, कुछ ही दिनों में तुम लोग को दिखाएंगे उसको शेल्टर घोषित कर दिया गया, कह दो बेल कैंसिल करवा देंगे। बेल कैंसिल जिसने तुमने करवा दिया ना, पूरी लीगल टीम वकालत छोड़ देगी। बेल कैंसिल करवा दोगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो बेल कैंसिल नहीं करवाएगा, तुम करवा दोगे? तुम हो क्या? नहीं तुम हो क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हो क्या भाई? तुम वकील हो तो वकील वकालत करो कोर्ट में, तुम बेल कैंसिल करवा दोगे उसका? बेल कैंसिल उसका कोई नहीं करवा सकता है, सब क्यों बेवकूफ और प्रोपेगंडा रच रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। इसको अब जवाब देके मैं फ्रंट पे आके जवाब दूंगा, मुझे परमिशन मिली इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। ये जो है दो कौड़ी का वकील और जो धमकी देता है सबको कि एपी सिंह माफी मांगा, एपी सिंह तुमसे कितने बड़े हैं, एपी सिंह तुमसे माफी मांगेंगे? तुमको माफी मांगने पड़े 30 तारीख तक, तेरा लाइसेंस भी कैंसिल होने वाला है। गलतियां मत कर, मैं तुमसे बता रहा हूँ, अभी मैं रिस्पेक्ट से बातें कर रहा हूँ, बहुत गलती कर रहे हो। रोज हम क्या देता, बेल कैंसिल करवा देंगे, बेल कैंसिल करवा देंगे। अरे बेल कैंसिल करवा दे तो तुम्हारी औकात है बेल कैंसिल करवाने की? पाकिस्तान वाले बोल देंगे उसका बेल कैंसिल कराओ, पाकिस्तान वाले बोल देंगे एपी सिंह को गाली दो, तो तुम बैठे गाली देते हो, तुम गए थे वहां पे। तो दोस्तों ऐसे लोगों की मानसिकता को क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।